सुपरमैन। यहाँ पे एक हमारा कंपटीशन है, तो साथ चारों एक साथ सर डालेंगे और जो भी लास्ट में निकालेगा वो जीत जाएगा, ठीक है? लाइफ जैकेट के बिना अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, लाइफ जैकेट चाहिए भाई। ब्रीथिंग कंपटीशन में भी मैं ही जीता था। मैं वहां पे जा रहा हूँ, बाय बाय बाय। तो आज इस कैंप में हमारा है आखिरी दिन, और थोड़ा नहा लेते हैं पूल में जाके, और आज हम जाएंगे दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट होंगे आज। सुनील भाई निकल गए क्या? ओके आ जाओ, चलो नहा के आते हैं थोड़ा बाहर। यहाँ पे इनका पूल है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, नेचर के बीच में फॉरेस्ट ट्रैक है। दिखाता हूँ पूल, और आज थोड़ा सा हिचाई के 12-15 किलोमीटर है, तो नहाना नहीं है, बस इंजॉय करने आए हैं। नहा तो हम वहाँ पे भी सकते हैं, इंजॉय करेंगे यहाँ पे हम। ये है इनका पूल, और ये देख रहे हो पीछे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है भाई, एकदम डेंस फॉरेस्ट। ये देखो जम कर लेते हो वहां से, हम भी नहा लेते हैं थोड़ा। आई होप मेरा ये हाथ ऊपर ही रहे, मैंने वाटरप्रूफ नहीं कर रखा है कैमरे को। ओह गॉड, अब जाके दिखाता हूँ बीच में। पानी मत डालना इधर मेरे, ये दो दो लाइफ जैकेट ले रखे हैं मैंने तो। रिलैक्स, हिमालय का पानी है भाई, ऐसे वैसे नहीं है। और ये मैं खड़ा नहीं हूँ इस वक्त, हवा में है मेरे पैर, मतलब पानी में है। चल के देखते हैं, कुछ नहीं हो रहा। थोड़ा सा मैं दोनों हाथ यूज करता हूँ तो काफी तैर लेता हूँ। ओ ज्यादा नहीं हिलाना ये, ओए होए निकल गया, पीछे होना पड़ेगा। प्लान नहीं था आज मेरा, सुबह ही निकलने का प्लान था, पर सोचा थोड़ा और इंजॉय कर लेते हैं। पानी नहीं, रुको मैं इसको बंद ही कर देता हूँ भाई, उधर रखना पड़ेगा मुझे कैमरा, मेरे को मेरा पैर खींच के लेके जाना उधर। सही बात है, ये लो मेरा पैर, हाँ ले जाओ, चलते रहो। ऐसी राइडिंग करी है कभी किसी ने? पैर पकड़ के खींच के ले जा रहा भाई। डाल दिया, थैंक यू। मेरे को काफी चीजें संभालनी पड़ रही है, वरना गोप्रो को मैं एक अंदर से मेरे को बस पीस लाना पड़ेगा। चलो पानी आ गया इस पर, बाय बाय, नहा लेते हैं पहले। तो ये सुनील भाई यहाँ पे ऊपर से जंप मारने को बोला है, देखते हैं कितना फुट होगा ये। मेरी हाइट का है, 6 फुट का है। चलो देखते हैं सुनील भाई जंप मारेंगे इसमें, आ जाओ। मैं कल कूदा था। और ये है देखो पीछे जंगल ही जंगल है, और जंगल के बीच में पहाड़ है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम कूदोगे? चलो ठीक है, जैकेट लगाओ और कूदो। आओ यहाँ से आसानी से चढ़ते हो, सामान रखा हुआ है, जाओ 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 जाओ, कुछ नहीं होगा। पर बस वो जो स्लैप स्प्लैश देख के मारना। बाय बाय, अभी रुक जाओ रुक जाओ, चलो अब लक्ष्य जंप मार, इधर मारो इधर।
मार के ऐसे कूदा है, गलत कूदा है तू, पूरी बॉडी तूने मार दी उस पे। हाँ हाँ इतना तो मुझे भी पता है। ए सुनो, पूरी बॉडी एक साथ नहीं लगनी चाहिए। चलो कूद जाओ, कूद जाओ। चलो भाई, मैं भी कूदा था कल, मैं भी कूद गया था। दोबारा कूदू क्या? मैं कूदू। चलो लो पकड़ो, मेरे को दो दो। तो गीले हाथ है तुम्हारे, रेंदो रेंदो गीले हाथ है। अरे यहाँ से मारो ना, वहाँ लग जाए, यहाँ पर मारो, यहाँ पर दे रहे ना ऊपर आ। तो यहाँ पे मेरे को इन्होंने एक जंप सिखाई है, वो दिखाता हूँ। मारो करता काउंट। बस मेरा कैमरा पानी में किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। चलो और झटपटा के नहीं निकलना, ठीक है? यहाँ पे हमारा एक कंपटीशन हो रहा है, सारे इधर आ जाओ, सारे इधर आ जाओ। हाँ इधर ही आ जाओ, बस सही है। यहाँ पे एक हमारा कंपटीशन है, एक साथ सर डालेंगे और जो भी लास्ट में निकालेगा वो जीत जाएगा, ठीक है? यस क्लियर है। एक बार जो चीटिंग करते हैं निकले, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, ठीक है? चलो जब मैं बोलूँगा। मैं जीत गया। ये कहाँ पकड़ रखा मैं? खाना खा के चलेंगे ये भाई, खाना बनाएंगे हमारे लिए। तब तक हम थोड़ा और नहा लेते हैं, उसके बाद निकलना आगे। थोड़ी बहुत स्विमिंग सीखा हूँ मैं, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी। अभी थोड़ा थोड़ा डर भी निकल गया है और सीख भी गया हूँ। अब देखो उन्होंने बोल दिया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, चढ़ोगे तो कहाँ तक जाओगे दिखाओ जाके, कितनी देर में जाओगे ये भी देखेंगे। विदाउट सेफ्टी ही नहीं है, आ जाओ वापस। तो ये हैं भाई इनके कैंपिंग रूम्स, तीन बेड लगे हुए हैं इस तरह से और कूलर वूलर ये सब है। ये होता है इनका कैंपिंग। यहाँ पे थे हम 15 की नाइट रुके और 14 की नाइट, और इससे पहले जो 13 की नाइट थी वो हमने कृष्णा भाई के साथ रुके थे। और ये हमने इस बार जूते इस बार हाथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक वाटर स्ट्रीम भी आती है आगे, वो पार करनी है। और यहाँ पे कैसे कैसे चार्जेस वगैरह कैसे आ सकते हो, सोम्फो कैंप है ये फॉरेस्ट में एकदम। ये देखो, ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपके मैनेजर से ही बात करवाएंगे यहाँ के। ये हैं हमारे सुनील भाई। सुनील भाई यहाँ पे क्या चार्जेस वगैरह रहते हैं? पर पर्सन 1500 रुपये चार्ज करते हैं, इंक्लूड 3 मील्स। ये सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसमें खाना वीना सब रहता है? हाँ, इसमें सारा खाना रहता है। कहाँ पे लोकेशन थोड़ी बता दो, ये कैसे है, कहाँ पे है ये? लक्ष्मण झूला से कितना? ये हम अगर लक्ष्मण झूला से, तपोवन लक्ष्मण झूला से अगर ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको 1.5 किलोमीटर या तो अपनी विद अपनी गाड़ी से या वॉक करके या आप वहाँ पे गाड़ी करके ऊपर आ सकते हैं। नेचर बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ का नेचर यहाँ पे बहुत अच्छा है, पूरा फॉरेस्ट व्यू है यहाँ पे और आगे पहाड़ी है, सब कुछ दिखाई देता है। कौन लोग आते हैं, मतलब ये जो बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे होते हैं ये सब? हाँ, यहाँ पे देखो स्पेशली लोग कैंपिंग करने भी आते हैं, और जो बद्रीनाथ केदारनाथ वाले रूट पे पड़ता है तो अक्सर ये लोग यहाँ पे स्टे करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। फॉरेस्ट के अंदर अगर आपको रुकना है तो कौन सा गांव पड़ता है ये गांव? यहाँ पे धौलसूद गांव है, पूरा फॉरेस्ट के एरिया के अंदर है। धौलसूद? धौलसूद।
अच्छा, अभी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ ये यहाँ पे? अभी रिसेंटली इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग, 2021 फर्स्ट न्यू ईयर से अच्छा यहाँ पे कैंपिंग करना स्टार्ट किया है। अच्छा, काफी अब तो काफी कैंप वगैरह हो गए यहाँ पे, अभी काफी कैंप बने हुए हैं, कम से कम 8-9 कैंप है, तो काफी लोगों ने एक्सप्लोर किया है और काफी लोग आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये देख रहे हो, हम इसी में पूल में नहाते रहते थे, अभी आज सफाई कर रहे हैं, मंडे है आज, और सैटरडे संडे को काफी लोग आए थे। सैटरडे संडे को काफी भीड़ होती है, और जब राफ्टिंग स्टार्ट हो जाती तो हर सीजन फुल हो जाता है, हर वीक राफ्टिंग रहती है। चलो, ये मेरे पीछे देख रहे हो आप, सोम्फो का बोर्ड लगा हुआ है, बहुत मजा आया यहाँ पे फॉरेस्ट में रुक के। सुनील भाई ने हमारे यहाँ पे बहुत खातिरदारी करी, और अभय जी जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया था उनका बहुत बहुत धन्यवाद, वो ओनर है यहाँ के, और यहाँ पे सुनील भाई जो है यहाँ पे मैनेज करते हैं सारा। फॉरेस्ट है एकदम, बहुत मजा आया, बहुत शांति महसूस हुई, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। थैंक यू सो मच, फिर कभी मुलाकात होगी, बिल्कुल मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। तो ये इन्होंने पूरा पूल खाली कर दिया, ये देखो पूल में से ये पूरा पानी निकल रहा है इस वक्त, ये पूल को खाली कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं ये पूल की, ये पूल का पानी निकल रहा है, इसी पूल में नहा रहे थे हम तो। और आगे जाके वाटर स्ट्रीम आती है, तो ये जूते हमने हाथ में ले रखे हैं इस बार, पहले पैदल ही क्रॉस, मतलब नंगे पैर क्रॉस करेंगे, उसके बाद जूते पहनेंगे। फॉरेस्ट में रुक के मज़ा आया, अब हिचहाइकिंग करते हुए हमें यहाँ से 15-16 किलोमीटर होगा शायद शिवपुरी, लेकिन होस्ट से अभी पक्की बात नहीं हुई है, तो देखते हैं क्या होता है। आप गुजर हो आप भी? अच्छा ये गढ़वाली है। अच्छा, सबने देखो पूल बना रखे हैं यहाँ पे। चलो, फॉरेस्ट में से होके जाना है, पहले सड़क पे पहुँचना है, फिर 15-16 किलोमीटर की हिचहाइकिंग करनी है, छोटी है हिचहाइकिंग, इसीलिए मैं बोला कि शाम को निकलूँगा, डिनर तक पहुँच जाएंगे, शिवपुरी पास में ही है यहाँ से। बहुत अच्छा लगा, सोम्फो कैंप, डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल मिल जाएगी, बुक करो, वीकेंड दिल्ली में हो तो पास ही में आ जाओ, यहाँ पर मज़े करो। ये फॉरेस्ट के अंदर से चलते चलते जा रहे हैं, स्कूटी भी चढ़ा दी थी उन्होंने, यहाँ पे तीन लोग बैठे थे हम जब हम आ रहे थे पिछली बार। वाटर क्रॉसिंग पार करनी है आगे, पूरा देखो ऊपर पहाड़ पहाड़ मज़ा ही आ गया यहाँ पे रुक के शांति एकदम, और ऊपर से पूल के अंदर ऐसे पड़े रहो बस। आ गई वाटरफॉल क्रॉसिंग, बहुत ठंडा है, भाई मैं अपने कैंप से दूर तो आ गया हूँ लेकिन होस्ट ने अभी तक फोन नहीं उठाया है, ये वाला बड़ा वो लगता है यार, अब मतलब रात की भी हो गई है, मैं अपने कैंप से भी दूर आ गया हूँ, वापस जाने का वो नहीं है, पर ठीक है अगर फ़ोन उठा लिया तो ठीक है, वरना देखते हैं पहुंच जाएंगे ऋषिकेश में और हो जाएगा कुछ ना कुछ, इतना तो है, मतलब किसी के भी यहाँ पे जाके बोलेंगे ना कि भाई ऐसे ऐसे तो रुका लेगा कोई भी, रिस्क है इस बार, रिस्क है तो रिस्क है, देखते हैं। रोड पे जाके खड़े होते हैं, लिफ्ट मांगते हैं, चाइक मांगते हैं, और 15-20 किलोमीटर है यहाँ से शिवपुरी, और मैं हूँ अभी मुस्ताश हॉस्टल पे पहुँच चुका हूँ मैं, ये मुस्ताश हॉस्टल आगे, तो यहाँ पे भी आप बुक कर सकते हो अगर आप सोलो हो तो, अगर आपको रोड के किनारे रुकना है तो, फॉरेस्ट के अंदर रुकना है तो आप और ऊपर जा सकते हो, जो मैंने बताया सोम्फो कैंप्स, वो भी अच्छा है, थोड़ा उसमें पैसा लगेगा लेकिन सोलो के लिए अच्छा। मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो ऋषिकेश में आपको 134 से स्टार्ट हॉस्टल मिलेंगे यहाँ पे, बहुत सस्ते हैं, गोवा में भी बहुत सस्ते थे, कसोल में बहुत सस्ते हैं, ये देखो सामने पहाड़ी पहाड़, तो बहुत सस्ता सस्ता है सस्ता सस्ता है यहाँ पे, बाकी आपको एक्सपीरियंस लेना है तो उनके लिए भी प्रॉपर्टीज है, जैसे वो जंगल में सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं। चलो भाई, पहुँचता हूँ रोड पे और जल्दी से पहुँचना है, फिर फ़ोन आ जाए उनका काश। ये देख रहे हो ये बोर्ड है मुस्ताश का, ये काफ़ी बड़ी चेन है होस्टल की, और जूते मैंने अभी तक पहने नहीं है क्योंकि मैं पहनने के लिए रुका था,
मैं जूते पहनने के लिए रुका था लेकिन चप्पलें मेरी गीली थी तो बैग में उन्हें डाल नहीं सकता, तो हाथ में तो चप्पल भी लेनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा पहले सूख जाने देता हूँ। अब चप्पल मेरी लगभग सूख गई है, ऐसे मारते मारते चप्पल सूख गई है। अरे यार अभी नहीं अभी है, लिफ्ट लेनी है। इसके लिए मेरे को ये अंदर रखने पड़ेंगे क्योंकि बोर्ड निकालना है मेरे को, लिफ्ट प्लीज़ वाला बोर्ड। पहुँच गया रोड पर। तो ये है वो कैंप में जाने के लिए रूट, ये वाला मुस्ताश का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और इसी रोड से ऊपर जाना है आपको उस फॉरेस्ट कैंप में जाने के लिए। और काफ़ी सारे हैं वहाँ पे कैंप। रोड पे आ गए हैं हम। अब यहाँ से अपना हिचाइक रोड लिफ्ट लेना शुरू करेंगे। बोर्ड निकालना है उसके लिए मुझे पहले 15-16 किलोमीटर हो जाना चाहिए। हेलमेट भी निकालना पड़ता, हेलमेट पर। चलो मिलता हूँ। यार जूते होते दोनों साथ में ही, लेकिन थैंक यू। आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैं शिवपुरी। ओके, मेरे को लिफ्ट दे देंगे आप? थोड़ा ही आगे मतलब। थैंक यू। मैं पीछे वाला। वैसे जाना तो मुझे शिवपुरी है। ओके थैंक यू। मिल गई यार पहली बार में लिफ्ट। जूते पहनने वाला था वैसे, मैं सोचा तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं ये ऊपर कर लूँ? ये आप क्या बना रहे हो? मैं यूट्यूबर हूँ। प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं ऐसे। ओके अभी तक उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी लिफ्ट मिल गई है, भैया ने दे दिया। और पहाड़ों में शुरू हो गई, पहाड़ों में बड़ी इसीलिए इजी रहते, सिंगल वे रहता है ना, तो जो भी इस तरफ आज से आता है वो ज़्यादा स्पीड में नहीं रहता एक तो, और रुकने के जो काफ़ी चांस रहते हैं। एक बार उनको फ़ोन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ भाई। फ़ोन तो नहीं उठाया भाई, और कैंपिंग भी नहीं है मेरे पास। यहाँ पे कोई कैंपिंग लोकेशन है क्या वैसे शिवपुरी में अगर जाए तो? हाँ कैंपिंग है, गंगा साइड तो बंद है। अच्छा, बट वैसे कैंपिंग है, मिल जाएगी। अगर मैं, मेरे पास कैंप हो तो मैं लगा सकता हूँ उधर। पर अच्छी बुरी बात तो ये ना, मेरे पास कैंप भी नहीं, मेरे को वेट करना पड़ेगा उनका। देखते हैं उनका कॉल आया तो ठीक है, वरना थोड़ा और वेट करेंगे और क्या, वरना वापस आना पड़ेगा अंधेरे में। मैं किन के मतलब किस लिए जा रहे हो आप? मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, और कोई बुलाता है उनके यहाँ पे तो मैं उनके यहाँ पे जाता हूँ। एक किसी ने इनवाइट किया था पर वो फोन नहीं उठा रहे अभी तक। ये देखो भाई बंदर है यहाँ पे। तो कितने दिन का प्रोग्राम है आपको? बस यहाँ पे एक दो दिन रुकूंगा, और वैसे ऋषिकेश में मेरे को काफी टाइम हो गया। मैं 6 तारीख को निकला था दिल्ली से, और काफी सारी यहाँ पे मैंने टाइम बिता लिया, तो एक दो दिन यहाँ पे रुकूंगा। शिवपुरी में कभी रुका नहीं मैं, हमेशा वहीं पे रुका। और बहुत कम लोग रुकते हैं शायद शिवपुरी में? नहीं ऐसा नहीं है यार, शिवपुरी अच्छा? में बहुत लोग रुकते हैं। अच्छा, शिवपुरी में राफ्टिंग शिवपुरी से ही स्टार्ट होती है। अच्छा, तो मेजर लोग शिवपुरी में ही रुकते हैं। तो आप शिवपुर के लोकल हैं क्या? नहीं मैं शिवपुरी का लोकल तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरा एक रिजॉर्ट है शिवपुरी में। सिक्स एंड ये होता है ट्रैवल का एक्सपीरियंस, मेरे को लग ही रहा था ये होंगे जरूर। अच्छा मैं एक यूट्यूबर हूँ, अगर आप मेरे को थोड़ा सा आज कल का स्टे दे पाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका प्रमोट हो जाए। मतलब एक दो नाइट ही रुकूंगा मैं, ज़्यादा नहीं, एक नाइट ही रुकूंगा। हाँ एक नाइट हो जाएगा। ओके ठीक है, तो भाई चाय के में ही देखो ये होती है पिचिंग। मतलब किसी से भी आप पहचानो, किसी को पहचानो, उनको बताओ अपनी यात्रा के बारे में तो हो जाता है। मैंने तो ऐसे बहुत बार करा है रास्ते में ही अपना। अगर उनका कॉल आया तो वैसे मैं उनके पास जाऊंगा, अगर आपकी सेवा की मुझे शायद जरूरत पड़ेगी, अगर उनका कॉल आया तो मैं चला जाऊंगा उनके पास ही। नो प्रॉब्लम। चलो भाई सिक्योरिटी हो गई, मतलब अगर नहीं भी आया उनका फोन तो। अभी कितना दूर हो गए यहाँ से शिवपुरी? यहाँ से 15 मिनट और लगेंगे अभी। 15 मिनट और, 8 किलोमीटर और। ओके सही है, हो गया भाई जुगाड़ चलते हुए। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। रास्तों से मेरी
प्याज से भरा था बस्ता, वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चिंता कर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर, तो ये अभी हमने मेन रोड छोड़ दिया है, हाईवे जो बद्रीनाथ और वो सब जाता है शिवपुरी। तो ये एक फॉरेस्ट के अंदर हमने एक रोड पकड़ लिया है, ये देखो, और जंगल के बीच में ये यही अपना माइसा रिजॉर्ट। माइसा रिजॉर्ट पहुंच गए हैं मतलब लगभग, और इनके साथ ही इनके रिजॉर्ट पे रुक रहे हैं आज। उनका उनको फोन नहीं उठाया अभी तक, उनका मैसेज ड्रॉप किया था मैंने। सही है, पर हो गया अपना जुगाड़, कैंपिंग टेंट नहीं था पर ऊपर वाला अपने साथ था। अंदर अंदर रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा मौसम और बहुत अच्छा दिन, पॉजिटिविटी के साथ ये ब्लॉग को बेड पे एंड करेंगे आज। थोड़ा सा देख लेते हैं और अगले ब्लॉग में यहाँ के आसपास की चीज़ें और बाकी सब दिखाएंगे आपको, शिवपुरी में क्या क्या है और शिवपुरी में आप कैंपिंग कर सकते हो, कहाँ पे कर सकते हो, क्या जगह है आपके लिए भी ट्रैवल विदाउट मनी के टिप्स दिए जाएंगे अगली वीडियो में। अभी पहले थोड़ा घूम लेता हूँ, पूल वगैरह यहाँ पे सब है। अरे वाह, लग्जरी प्रॉपर्टी है आपकी। हाँ लग्जरी है, हाँ। ये हमारे 6 डीलक्स रूम है, हाँ। एंड ये 4 प्रीमियम है। अच्छा, ये स्विमिंग पूल है। डीलक्स और प्रीमियम के क्या क्या चार्जेस रहते हैं? डीलक्स नॉर्मली 3,000 रुपए का है, प्रीमियम 4,000 रुपए का है। अच्छा, सही है। ओके, इसके नीचे सिटिंग एरिया है जिसपे आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। कौन कौन लोग आते हैं यहाँ पे शिवपुरी में? नॉर्मली यहाँ पे कपल और फैमिलीज को ही ज्यादा हम प्रेफर करते हैं। अच्छा, जो मतलब आप इनर पीस के लिए आ सकते हो। हाँ, मतलब सोलो के लिए तो थोड़ा सा महंगा भी पड़ेगा ना ऐसा कुछ? हाँ, सोलो, लेकिन ऐसा नहीं है, सोलो भी आते हैं 15-15, उनके लिए हम कस्टमाइज पैकेज कर देते हैं। अच्छा, 15-20 दिन के लिए सोलो भी आते हैं, वर्क फ्रॉम माउंटेन वाले भी आते हैं। अच्छा, वाईफाई वगैरह सब? हाँ, वाईफाई है अभी, एक वर्क फ्रॉम माउंटेन रुके भी हुए। अच्छा, तो वो चाहिए। सही है भाई, माउंटेन के व्यू के साथ आपको काम करना हो और लग्जरी के मज़े भी लेने हो, ये देखो पूल वगैरह सब है नीचे। अभी पूल साफ़ कर रहे हैं, इसके अंदर पानी वानी भरा रहता है। अभी तो मंडे है आज और गेस्ट भी शायद कम ही होंगे, तो दिखाऊंगा आगे, दिखाऊंगा प्रॉपर्टी। तो जा रहे हैं भाई अपने रूम में, हमको मिला है 104। जूते पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये है अपना रूम, ये है वॉशरूम और ये अपना बेड। कितनी खुशनसीबी है, चल दिए वहाँ से, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, एडवेंचर पे एडवेंचर, फ़ोन नहीं उठाया और यहाँ पे भी जुगाड़ हो गया। चलो, ये है अपना पूरा बेड आज के लिए, बाकी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, पहाड़ों के बीच में शांति भरी लाइफ जी रहा हूँ। बाय 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 बाय। मेरा पता नहीं कहाँ रह गया, मेरे को याद नहीं, तो इन्होंने बोला कि ये पूरे रख लो आप। तो ये है ओरल हाइजीन विदाउट मनी। आज हम एक्सप्लोर करेंगे दोबारा से ऋषिकेश को, एक फ्री लंच इनविटेशन आया है आपको, उनका रेस्टोरेंट है यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर पर। गुजर